अब आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली आबकारी नीति के मामले में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमेल उन्हें भेजें, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और यहां पर अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट से उनको जमानत नहीं फिर मिली थी, उस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मेल भेजिए, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। और आबकारी घोटाले के मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कविता ने सीबीआई की ओर से दर्ज सीबीआई का जो मामला है और ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत की मांग की है। 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कविता की जमानत अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोर्ट के सामने रखे गए तथ्य और सबूतों के आधार पर पहली नजर में लगता है कि के कविता आबकारी घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। कविता ने हाईकोर्ट में आदेश जो है उसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में।